आज हम करने वाले मेंटल मैथ क्लास 9th का नेक्स्ट पार्ट मीन्स क्वेश्चन नंबर 21 से आगे। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है चलो कदम बढ़ाए। और जिन बच्चों के पास हिंदी में मेंटल मैथ है या हिंदी मीडियम में वो पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल बनाया गया है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर। आइए करना शुरू करते हैं। तो यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं मैथ विद हरी सर के नाम से और उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, राइट टू रैशनल नंबर बिटवीन, टू रैशनल नंबर फाइंड आउट करने। हम बिल्कुल इजी मेथड से करेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले डिनोमीटर को इक्वल बनाना होता है बच्चों, डिनोमीटर को इक्वल बनाना है आपको, ठीक है ना। यहाँ 5 है 2 है और इक्वल कब बनेगा, जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 और 2 का एलसीएम आता है 10, ठीक है। अब 1/5, 5 पर 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही न्यूमेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1/2 और 2 का हमें बनाना 5 तो सॉरी 10 बनाना है 2 का तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 1 2 और 5 2 10 और इधर आ गया 5 1 5 और 2 5 10, ठीक है। अब देखो 2 और 5 के बीच में जो नंबर आते हैं उनको आप लिख लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 3 आता है, 3/10 लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 4/10 भी लिख सकते हैं आप, 5/10 तो है ही आगे। तो 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट हो गए हैं और आप चाहे तो 4/10 को 2 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, 2 2 4, 2 5 10 यानी 2/5, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। एक चीज़ और याद रखनी है कि रैशनल नंबर जब हम भी फाइंड आउट करते हैं तो इनके आंसर पीछे मैच नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अनकाउंटेबल हम रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी आप सोचे कि पीछे आंसर मैच नहीं हो रहे हैं तो ऐसे ज़रूरी नहीं है, मैच भी कर सकते नहीं भी कर सकते, लेकिन आपका जो मेथड है वो ठीक होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, -2 और -1 के बीच में आपको 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले -2 के नीचे आप 1 ले लीजिए और -1 के नीचे भी आप 1 ले लीजिए, ये एक मेथड होता है बच्चों। अब ये 1 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या लेंगे, 1 ही आएगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ऊपर एक जीरो लगा दे, नीचे एक जीरो लगा दे, ऊपर एक जीरो लगा दे, नीचे एक जीरो लगा दे, ठीक है। अब डिनोमीटर इक्वल हो गए हैं और 20 और -10 के बीच में देखो नंबर आ रहे हैं, -11/10 आप लिख सकते हैं, -12/10 आप लिख सकते हैं, और अगर फाइंड आउट करने होते तो -30/10 लिख सकते थे, 14/10 लिख सकते थे, ठीक है, जितने भी पूछा जाए उतने आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया और आप चाहे तो जो भी आप नंबर डिवाइड होता है उसको डिवाइड करके ज़रूर लिख ले। तो जैसे 12 और 10 ये डिवाइड हो रहे 2 से, तो 2 6 12, 2 5 10, इस तरीके से -6/5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो √2 और √3 के बीच में 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो क्या कैसे करेंगे, तो √2 की वैल्यू लिख लीजिए 1.41 आएगी और √3 की वैल्यू होती है 1.73, इस तरीके से। तो आगे जब पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, और ये वैल्यू कैसे आती है आप निकाल के देख सकते हैं। तो जैसे 2 की निकालनी है तो 2.00 बना दीजिए और जो डिवीजन मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसका क्या निकाल लीजिए, इसके रूट निकाल लीजिए, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेने हैं, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अब इनके बीच में जो भी रैशनल नंबर आते हैं उनको आप लिख दीजिए, जैसे 4 1 और आगे वाला तो नंबर सेम है, तो 4 1 और 7 3 के बीच में तो हम लिख सकते हैं 1.43 लिख सकते हैं, ठीक है, 4 3, और इधर लिख सकते हैं 1.64 लिख लीजिए, या फिर कोई भी कुछ भी लिखा जा सकता है, इनके बीच में काफ़ी नंबर आते हैं तो मैंने ये लिख दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको पूरा नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 0.121 ले लीजिए खाली, और इधर ले लेते 0 ये पॉइंट है, इधर 0.141, इस तरीके से। अब इनके बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, 1 2 और 1 4 के बीच में 1 3 आता है, और तो हम लिख सकते हैं 0.131 लिख सकते हैं, 1 3 1, ठीक है, और एक और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 0.1.1 और 3 2 लिख सकते हैं,
थ्री थ्री भी लिख सकते हैं, थ्री फोर भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि इनके जो आंसर है वो पीछे मैच नहीं करेंगे, तो आप डरे ना कि आंसर मैच नहीं कर रहा है तो कैसे क्या गलत होगा, गलत नहीं होगा, आपका मेथड है वो सही होना चाहिए, तो आपका फुल मार्क्स मिलेंगे। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, इफ़ 2/7 इक्वल 0.285714 देन फाइंड द वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू गिवन है 2/7 की वैल्यू है और 3/7 की वैल्यू हमें निकालनी, तो कैसे करना होगा। अब सबसे पहले बच्चों 2/7 की वैल्यू गिवन है, आपको सबसे पहले 1/7 की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, और 1/7 की वैल्यू कैसे आएगी, ये जो वैल्यू गिवन है ना 0.285714, इसको ना आप 2 से डिवाइड कर दे, 2 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ठीक है, इस तरीके से, और 2 2 जा 4 1 और 7 17 हो गया, 2 8 जा 16, 2 5 जा और 2 7 जा, ये आ गई बच्चों आपकी 1 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू आ गई। अब ये मैं इधर लिख लेता हूँ, 1/7 की वैल्यू आपके सामने है 0.142857, इस तरीके से अब हमें निकालनी है। ठीक है, 1/7 की वैल्यू तो यहाँ पर ये गिवन है और तो इसका तो आंसर निकल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3/7 की वैल्यू निकालने, तो 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/7 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, 3 1 जा 3 फिर वही आ जाएगा। तो ऐसा करने से क्वेश्चन जो है थोड़ा इजी हो जाएगा, और इनटू का साइन लगाए, 1/7 की वैल्यू आपके सामने है तो इसको लिख दीजिए 0.142857, इस तरीके से। और इधर आप 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 3 से पीछे से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी फिर 1, 3 8 जा 24 और 125 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, ठीक है, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, इस तरीके से। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। अब 4/7 की वैल्यू निकालेंगे तो फिर वही करना, आपको 4 × 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 × 1/7 की वैल्यू आपके सामने है तो लिख लीजिए 0.142857, इस तरीके से। अब 4 से मल्टीप्लाई करते हुए चलिए तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2 होता है, 4 5 जा 20 और 2 22 कैरी 2, फिर 2 4 8 जा 32 और 2 34 का 4 कैरी 3 आ गया, 4 2 जा 8 और 3, ठीक है, 11 का 1 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 2 3 4, हाँ या 4 4 जा 16 और 1 17 का 7, फिर कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, इस तरीके से ये आपका आ गया है। और इससे आगे डेसिमल और जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो 1/7 का तो हम निकाल ही चुके हैं, ये इधर आ गया, तो बार बार निकाल कर इसका टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 5/7 है, 5/7 को लिखेंगे 5 × 1/7 और इस तरीके से अब आप निकाल सकते हैं। 5 × 1/7 की जो वैल्यू है उसको मैं लिख लेता हूँ 0.142857, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 7 जा 35, ठीक, कैरी 3, 5 5 जा 25 और 3 28 का 8 कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बड़ा इजी है क्वेश्चन निकालना। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, आइए करना शुरू करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन इधर भी कर दूंगा मैं, लेकिन आप पहले देखिए ऊपर देखो, अगर इस टाइप से नंबर लिखा हुआ है तो हम ऊपर लिख सकते हैं √3 - 1 है ना, तो इधर नीचे वाला साइन देखना है, अगर इधर प्लस का है तो ऊपर ये माइनस का आ जाएगा, तो √3 - 1 होल स्क्वायर कर सकते हैं, या होल स्क्वायर ना करें तो इधर √3 - 1 इस तरीके से लिखा जा सकता है। और नीचे जो नंबर होता है उसे आप लिखेंगे, साइन कोई भी आए नीचे, प्लस का है या माइनस का है, आपको माइनस का ही रखना है और उसे लिख देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ठीक है, इस तरीके से। अब इनको मैं एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, इधर इधर लिख लेते हैं ताकि नीचे हम इसको और सोल्व कर पाएँ,
तो इस तरीके से। और देखो रूट थ्री को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री, और माइनस वन को टू टाइम्स मल्टीप्लाई किया वन आ गया। अब इधर देखो ए माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाना है आपको, तो ए स्क्वायर ठीक है माइनस टू ए और बी और प्लस बी स्क्वेयर इस तरीके से ठीक है। और नीचे आ गया थ्री में से वन माइनस करेंगे टू आ गया। अब देखो ये आपका आंसर आ गया, रूट थ्री को टू टाइम्स मल्टीप्लाई किया थ्री और माइनस टू रूट थ्री हो गया और प्लस वन ठीक है इस तरीके से टू आ गया। थ्री और वन कितना होता है फोर होता है, तो फोर माइनस टू रूट थ्री बाई टू ठीक है ये आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो इसको और डिवाइड करके लिख सकते हैं, यानी ऊपर से नंबर आप कॉमन निकाल लीजिए, ये मैं इधर कर लेता हूँ, कॉमन नंबर आ गया टू तो यहाँ पर बच गया टू और माइनस तो इधर कुछ नहीं बचा वन रहेगा, वन लिखने की जरूरत ही नहीं है और बाई टू ठीक है इस तरीके से। तो टू से टू कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया। अब ये नंबर जो इक्वल है बच्चों इधर देखिए, ये नंबर इक्वल है ए प्लस बी रूट थ्री के ठीक है। तो ए इधर मैं लिख लेता हूँ ए प्लस बी रूट थ्री, तो रूट थ्री तो रूट थ्री के इक्वल आ गया बच्चों, इधर रूट थ्री तो रूट थ्री के इक्वल आ गया। आगे बी कोफिशेंट बी है और इधर कुछ नहीं है, तो बी की वैल्यू जो आएगी वो माइनस वन होगी ठीक है। और यहाँ पर लिखा टू और यहाँ पर लिखा ए, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होगी टू होगी। तो इस तरीके से आपको करना है। मैं ये कह रहा था कि इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं, आइए मैं बताता हूँ। ये शॉर्ट ट्रिक से तो मैंने बता दिया है, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया होगा। तो आपको करना है इस तरीके से रूट थ्री माइनस वन और रूट थ्री प्लस वन ठीक है। तो प्लस का अगर साइन हो तो हम क्या करते हैं उस नंबर का रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज कब करते हैं, जब जब डिनोमीटर रूट के अंदर हो ठीक है। अगर साइन दिया हो तो साइन चेंज करके न्यूमीटर को भी और डिनोमीटर को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो तो रूट थ्री माइनस वन होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि टू टाइम्स आया है, और बाई और ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरीके से आ गया ना वही नंबर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो नीचे प्लस का साइन है तो माइनस का साइन हो जाएगा, तो ऊपर क्योंकि टू टाइम्स आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस रूट फाइव माइनस टू होल स्क्वायर लिखेंगे, लिख सकते हैं ना ऐसे। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरीके से। आइए ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए और बी, बी कितना है टू है, प्लस बी स्क्वेयर तो टू स्क्वेयर ये ठीक है। और इधर रूट फाइव को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे फाइव आ जाएगा, और माइनस टू को टू टाइम्स मल्टीप्लाई किया फोर आ जाएगा, फाइव में से फोर माइनस करेंगे वन आ जाएगा। वन लिख रखिए, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अब रूट फाइव को टू टाइम्स मल्टीप्लाई किया फाइव, और माइनस टू टू जा फोर, फोर रूट फाइव और प्लस फोर ठीक है इस तरीके से आ गया। फाइव फोर फोर कितना होता है नाइन, तो नाइन माइनस फोर रूट फाइव ये आ गया, और ये इक्वल आ रहा है बच्चों ए प्लस बी रूट फाइव के ठीक है। तो रूट फाइव तो रूट फाइव के इक्वल है, एक इक्वल है नाइन के, तो ए की वैल्यू आ गई नाइन और बी इक्वल है माइनस फोर के, तो ये माइनस फोर हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अगर समझ में ना आए तो इसको दोबारा देखिए, और इसकी एक्सप्लेन में मैंने वीडियो डाली हुई है, बिल्कुल एक्सप्लेन से मैंने इसको बताया गया है ये क्वेश्चन कैसी होंगे। तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो या प्लेलिस्ट के बटन को क्लिक करके सर्च करके आप उसको देख सकते हैं ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।